आज हम पढ़ेंगे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। देखिए ये जो टॉपिक है ये बेसिकली आपके लिए ये जो थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स बनाने के क्वेश्चन होते हैं, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के सवाल वहां से बन सकते हैं, मतलब वहां से सवाल आ सकते हैं। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में क्या होता है, जैसे आप लोग अपने घर पे आपने देखा होगा डीटीएच एंटीना, किसी ने देखा है डीटीएच एंटीना? यस सर। एयरटेल वगैरह का होता है, डिश टीवी का होता है, उसका शेप yes, क्या होता है? उसका शेप ऐसा पैराबोलिक शेप होता है ना, ऐसा पैराबोलिक शेप होता है। तो ये पैराबोलिक शेप जो है ये क्या है, ये एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ये एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है और उसी के बारे में हम पढ़ेंगे वो क्या होता है। ठीक, तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, तो यहाँ पे एक पैराबोला, हाफ पैराबोला है, ये कंप्लीट पैराबोला नहीं है, तो हमने पैराबोलिक शेप लिया है जो कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा और उसका एक फोकल पॉइंट होता है, फोकस जिसको बोलते हैं। फोकस पता है आप लोगों को, पैराबोला का फोकस क्या होता है? पैराबोला का फोकस, फोकस वो पॉइंट है जहां पे अगर अगर हम लोग रिफ्लेक्टर की बात करें, वहां से अगर इंसिडेंट हो तो सारे रेस कहां पे मीट करेंगे, इंफिनिटी पे मीट करेंगे, ये फोकल पॉइंट है। ये फोकल फोकस पॉइंट है और सारे जो रेस हैं यहां से इंफिनिटी पे मीट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी ट्रांसमिशन मटेरियल रखते हैं या फिर रेडिएटिंग मटेरियल रखते हैं तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, पैराबोला के फोकस पे प्रेजेंट होता है। कोई भी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल हम लेते हैं तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पैराबोला के फोकस। अब इसके वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। सपोज करेंगे ये आपका हमारा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, इसके फोकस पे कोई एक रेडिएटिंग बॉडी है, इसके फोकस पे एक रेडिएटिंग बॉडी है, वो क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है, रेडिएट कौन से स्टेट में हो रहा है। यहाँ आप देखिएगा तो रेडिएशन जो है वो सर्कुलर शेप में रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन जो है विजिबल है बोर्ड अभी? संजीत विजिबल है बोर्ड? यस सर, आवाज बीच में रुक रहा है। अरे नहीं, वो फोन आ गया था इसीलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करिए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के फोकस पे एक रेडिएटिंग बॉडी है, वो क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है। अब पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का काम क्या है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का काम ये है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का काम ये है कि ये जो ट्रांसमिशन यहाँ पे रेडिएट हो इसे क्या करना, दूर तक भेज देना, दूर तक ट्रांसमिट कर देना। तो ये ध्यान दीजिए, जब
जब भी ये रेडिएटिंग बॉडी का जो रेडिएशन हो रहा है ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से टकराएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेट में ट्रांसफर हो जाएगा, पैराबोला से टकरा के स्ट्रेट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये चीज समझ रहे हैं आप, यहाँ पे इसके फोकस पे एक रेडिएटिंग बॉडी है, उससे रेडिएशन निकल रही है। ये जो मैंने डॉटेड में शो किया है ये रेडिएशन है। ये रेडिएशन जब पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से टकरा रही है तो वो क्या होगा, उसका दूर ट्रांसमिशन होगा, और वो ट्रांसमिशन किस शेप में होगा, वो पैरेलल में ट्रांसमिशन होगा। पैरेलल में ट्रांसमिशन यहाँ पे तो जैसे मैंने गैप, इस दोनों लाइन के बीच गैप है, लेकिन एक्चुअल जो ट्रांसमिशन होगा तो यहाँ पे कोई भी गैप नहीं रहेगा, यहाँ पे इसके बीच कोई भी गैप नहीं रहेगा, तो एक कॉन्टिन्यूस लाइन मुझे मिलेगा जो कि क्या है, ट्रांसमिशन का लाइन। तो यहाँ पे हमारा शेप चेंज कैसे हो रहा है, यहाँ पे हमारा स्फेरिकल शेप, यहाँ पे हमारा सर्कुलर शेप था, इसे बेसिकली स्फेरिकल कहते हैं। यहाँ पे हमारा स्फेरिकल शेप था, अब वो चेंज किसमें हो जा रहा है, पैरेलल शेप, पैरेलल में। इसे हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट, इसे हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। इनिशियली हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट था जो कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से टकरा के कैसा बन गया, पैरेलल वेव फ्रंट। अब उसका ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरे जगह तक होगा, ये चीज क्लियर है। ये चीज क्लियर है आप लोगों को, मैं फिर से बता देता हूं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने एक एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लिया है, उसके फोकस पे ये जो मैंने ग्रीन डॉट बनाया है ये इसका फोकस है। इस यहाँ पे क्या है, एक कोई रेडिएटिंग बॉडी प्रेजेंट है जो कि क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है, और जैसे जैसे उसका रेडिएशन जो है पैरा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से टकरा के वो आगे मूवमेंट करेगा, जो वेव फ्रंट का शेप यहाँ पे स्फेरिकल था वो टकराने के बाद पैरेलल हो गया, ठीक है। ये क्लियर है सभी लोगों को, संजीत? यस सर। क्या समझे संजीत, बताइए आप समझे क्या है यहाँ पे सर, इसके जो पैराबोलिक के जो फोकस है उस पे मतलब रेडिएटिंग बॉडी को रख देते हैं जो कि स्फीयर रिफ्लेक्टर से टकरा कर मतलब पैरेलल हो जाती है, उसे उसे वेव फ्रंट नहीं, ये वेव फ्रंट का मतलब एक किसी चीज का शेप, यहाँ पे क्या था, स्फेरिकल वेव फ्रंट था, इसका जो रेडिएशन हो रहा था स्फेरिकल शेप में रेडिएशन हो रहा था। जब ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से टकराई और आगे मूवमेंट हुआ तो जहां मूवमेंट होके जहां पे ये पहुंचा है वहां पे इसका शेप क्या हो जाता है, पैरेलल वेव फ्रंट का शेप हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे ये जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ये मतलब ये वेव फ्रंट का शेप स्फेरिकल टू किसमें चेंज होता है, स्फेरिकल टू पैरेलल में वेव फ्रंट का शेप चेंज होता है, इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ओके। और इसके ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है, रेडिएटिंग बॉडी कहाँ प्रेजेंट है, उसके फोकस पॉइंट पे, ओके। ये जो डिस्टेंस है फोकस का, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, और जो स्फेरिकल ये जो हमने पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लिया है इसका डायमीटर होता है कैपिटल डी, ये डायमीटर हमारा क्या है, कैपिटल डी। व्हाट इज कैपिटल डी,
कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। तो यहाँ पे हम एक चीज और डिफाइन करते हैं, वो है एफ बाई डी रेशियो। एफ बाई डी हम डिफाइन करते हैं, एफ बाई डी रेशियो, एफ बाई डी रेशियो को हम लोग बोलते हैं अपर्चर नंबर। एफ बाई डी रेशियो को बोलते हैं अपर्चर नंबर। यहाँ पे एफ क्या है, फोकस फोकल डिस्टेंस है, और डी क्या है, डायमीटर ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। एफ बाई डी को बोलते हैं अपर्चर नंबर। इसका वैल्यू होता है 0.25 से 0.5। ओके, ये है आपका स्फेरिकल रिफ्लेक्टर के बारे में। इससे क्वेश्चन बनता है, तो इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो पूरी तरह थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर क्या है? पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एक एंटीना है जिसके फोकस पे एक रेडिएटिंग बॉडी है, वो जब रेडिएट करता है तो ये रिफ्लेक्टर से टकरा जाता है, और टकरा जाने के बाद इसका वेव फ्रंट चेंज हो जाता है स्फेरिकल टू पैरेलल। ओके, आखिर ये आगे ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। अगर इसका फोकल डिस्टेंस है f और इसका डायमीटर है d, तो यहाँ पे हम एक चीज डिफाइन करते हैं जिसे बोलते हैं f by d रेशियो या फिर अपर्चर नंबर। इसका वैल्यू होता है 0.25 से 0.5 के बीच में। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव सवाल ये बन सकता है कि अपर्चर नंबर का रेंज क्या होता है, और एक दो मार्क्स का सवाल बन सकता है डिफाइन द वर्किंग ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। तो ये मुश्किल से 3 मार्क्स का सवाल बन सकता है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से। ओके, और एक चीज और ध्यान रखना है, वेव फ्रंट का चेंज स्फेरिकल से किस में चेंज हो जाता है, पैरेलल में चेंज हो जाता है। ठीक है सुनील? यस सर। दिया है सुनील पैराबोलिक रिफ्लेक्टर? यस सर। चलिए ठीक है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के बाद जो हमें अगला एंटीना पढ़ना है वो बहुत ही सिंपल, मैं बताता हूँ कौन सा टॉपिक है। पहले पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के बाद जो हमें अगला एंटीना पढ़ना है वो है स्लॉट एंटीना। वो है आपका स्लॉट एंटीना। स्लॉट मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? सुधांशु, सुधांशु, सुधांशु माइक अनम्यूट करिए। सुधांशु सुनील, स्लॉट का मतलब क्या समझते हैं? स्लॉट मतलब स्लॉट, स्लोप जानते थे, स्लॉट तो नहीं जानते। रुचि, रुचि, यस सर। स्लॉट सुना है आपने कहीं? स्लॉट, यस सर, वो कोरोना वैक्सीन में स्लॉट सुने थे। स्लॉट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप वैक्सीन लेने के लिए कहीं जाती हैं तो आपको स्लॉट बुक करवाना पड़ता है। स्लॉट बुक करवाते हैं ना हम लोग, या फिर जो वैक्सीन लेने जाते हैं। तो स्लॉट मतलब क्या होता है ना, एक आप बताया, ऐसे बोल सकते हैं स्लॉट मतलब एक पार्टिकुलर स्पेस बुक करवाते हैं। जैसे आपको मिला, 10 बजे से लेके 11 बजे तक का स्लॉट, आपको मिला 10 बजे से 11 बजे तक का स्लॉट, मतलब टोटल सपोज करिए 24 घंटा में से टोटल 24 आवर होते हैं दिन में, 24 आवर्स में से आपको 1 घंटे का स्लॉट मिला। ठीक है रुचि, स्लॉट मतलब है एक एक किसी भी बड़े से टाइम में या फिर बड़े से चीज में एक छोटा सा चीज मिलना, बड़े से कंपोनेंट में एक छोटा सा कंपोनेंट मिलना, तो उसे बोलते हैं स्लॉट। ये समझिए आप, स्लॉट मतलब क्या होता है, एक बड़े से कंपोनेंट में एक छोटा सा कंपोनेंट मिलने को हम लोग कहते हैं स्लॉट। जैसे 1 घंटे का स्लॉट मिल गया कि आपको वैक्सीनेशन लेना है तो 10 से 11 के बीच में जाइए, 24 घंटे में आपको 1 आवर का स्लॉट मिला है। ये क्लियर है, स्लॉट मतलब क्या, एक बहुत बड़े से चीज में से एक छोटा सा कंपोनेंट अलग करना या मिलना,
उसको बोलते हैं स्लॉट। ये क्लियर है सुधांशु? सुधांशु सुनील क्लियर है स्लॉट मतलब? सुनील संजीत माही माही यस सर क्लियर है स्लॉट मतलब एक बड़े से कंपोनेंट में एक छोटा सा कंपोनेंट मिलना। ओके यस सर। सर सुधांशु कौन है? सुधांशु पता नहीं है, एक स्टूडेंट ज्वाइंड है वो आपके साथ के मतलब। नहीं नहीं हिमांशु नहीं, हिमांशु नहीं सुधांशु, आज ही फोन करके इन्होंने बोला था ऐड करने। चलिए कोई बात नहीं। देखिए तो स्लॉट एंटीना का मतलब क्या होता है, सपोज करिए एक मेटालिक प्लेट है, ये हमारे पास क्या है एक मेटालिक प्लेट है, ठीक है, और हमने इसमें क्या किया एक स्लॉट बनाया। स्लॉट बनाया मतलब इस हिस्से को, ये पूरा सॉलिड हिस्सा है, इस हिस्से को काट के हमने अलग कर दिया, इस हिस्से को हमने काट के अलग कर दिया, मतलब एक मेटालिक प्लेट लिया और ये हिस्सा काट के बाहर निकाल दिया। अब अगर इसको हम एंटीना की तरह यूज करेंगे तब इसे बोलेंगे स्लॉट एंटीना, इसे अगर हम अब हम एंटीना की तरह यूज करेंगे इसे बोलेंगे स्लॉट एंटीना। स्लॉट एंटीना में बेसिकली यही होता है, एक बड़े से हिस्से में, जैसे वैक्सीनेशन का टोटल टाइम पीरियड क्या है, सपोज करिए 24 घंटा, 24 घंटे में से आपको एक स्लॉट मिलता है, एक घंटे का स्लॉट मिलता है, छोटा सा स्लॉट मिलता है, तो आपको यहाँ पे क्या है एक टोटल प्लेट में से एक छोटा सा हिस्सा निकाल के अलग कर दिया गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्लॉट। अब इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग बाहर से इनपुट देते हैं। बाहर से इनपुट क्या देंगे, जो चीज हमें रेडिएट करना है वो इनपुट हम लोग देते हैं कोएक्सियल लाइन के थ्रू। इनपुट हम लोग दे रहे हैं कोएक्सियल लाइन के थ्रू, कोएक्सियल लाइन के थ्रू इनपुट दे रहे हैं, कोएक्सियल लाइन के थ्रू इनपुट दे रहे हैं। ओके, कोएक्सियल लाइन का कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, इनपुट का कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, सपोज करिए एफ फ्रीक्वेंसी है तो कुछ वेवलेंथ भी होगा लैम्डा। सुनील सुनील संजीत यस सर संजीत, एफ और लैम्डा में क्या रिलेशन है? सर भी बराबर है लैम्डा, सी बराबर है, सी इज इक्वल टू बोलिए, ठीक है, वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ठीक है, तो कोएक्सियल लाइन है, इस पे हमने इनपुट दिया, इसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो स्लॉट का लेंथ है ये होना चाहिए लैम्डा बाई टू, ये होना चाहिए लैम्डा बाई टू, और इसका विड्थ है ये कुछ भी हो सकता है, सपोज करिए एक्स, इसका एक्स क्या है विड्थ है और लेंथ है लैम्डा बाई टू, और कोएक्सियल लाइन के थ्रू हम इसमें इनपुट देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्लॉट एंटीना, ये हो गया हमारा स्लॉट एंटीना। स्लॉट एंटीना क्या होता है, स्लॉट एंटीना इतना जान लीजिए कि एक मेटालिक प्लेट का कुछ हिस्सा काट के हम लोग निकाल देते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, वो स्लॉट बन जाता है, SLOT, वो हमारा स्लॉट बन जाता है। उसी स्लॉट में अगर हम कोएक्सियल लाइन लगा के इनपुट देते हैं, कोएक्सियल लाइन लगा के इनपुट देते हैं, तब वो एंटीना की तरह काम करता है, वो इस इनपुट को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट करता है, तो वो पूरा मैकेनिज्म हो गया स्लॉट एंटीना। जो इसका विड्थ होगा, सॉरी जो इसका लेंथ होगा स्लॉट, जो स्लॉट है उसका लेंथ होगा लैम्डा बाई टू, स्लॉट का लेंथ होगा लैम्डा बाई टू, और उसके विड्थ पे ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, उसका विड्थ कुछ भी हो सकता है
लेकिन विथ हमेशा लेमडा बाई टू से छोटा होगा, विथ हमेशा लेंथ से छोटा होगा। ये था आपका स्लॉट एंटीना। ओके ये क्लियर है स्लॉट एंटीना, किसी को डाउट है तो पूछिए। रुचि, रुचि, यस सर, रुचि एक्सप्लेन करिए स्लॉट एंटीना। स्लॉट मेटालिक प्लेट से छोटे पार्ट के निकाल के उसे बोला जाता है स्लॉट। अरे रुचि फिर से रिपीट करिए, आपका आवाज नहीं आया इधर। मेटालिक के छोटे से हिस्से को बोलते हैं जिसका विड्थ होता है एक्स और लेंथ होता है लैम्डा बाई टू। हाँ वेरी गुड। आगे कोएक्सियल लाइन से क्या करते हैं रुचि? कोएक्सियल लाइन, कोएक्सियल लाइन से हम इसमें इनपुट देते हैं, इस स्लॉट में इनपुट देते हैं और उसका ट्रांसमिशन यहां से होता है। कोएक्सियल लाइन का फ्रीक्वेंसी है एफ और इसका जो वेवलेंथ है सिग्नल का वो है लैम्डा, वही लैम्डा बाय टू यहां पे हमने यूज किया है। ओके यस सर, क्लियर है संजीत, सुनील, सुधांशु? यस सर। इसमें एक और सवाल बनता है, ठीक है, फीड का तरीका। फीड मतलब क्या होता है कोई बता सकते हैं? फीड सर, फीड मतलब क्या होता है? फीड जो शब्द है बेसिकली हम लोग जानवरों के लिए यूज करते हैं, किसी को फीड करना, किसी को खाना खिलाना। फीड करना मतलब इनपुट देना। ओके फीड करना मतलब इनपुट देना। फीड करने का क्या क्या तरीका है? सपोज करिए ये आपका स्लॉट है लैम्डा बाय टू, ये एक्स। फीड करने का क्या क्या तरीका है? जो पहला तरीका ये है कि अगर कोएक्सियल लाइन सेंटर में जुड़ा हो, कोएक्सियल लाइन जो है आपके स्लॉट के सेंटर में हो तो इसे हम बोलते हैं सेंटर फीड। कोएक्सियल लाइन अगर स्लॉट के सेंटर में हम लोग लगाए हैं तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं? तब इसको क्या बोलते हैं? सेंटर फीड। व्हाट इज सेंटर फीड? अगर कोएक्सियल लाइन स्लॉट के सेंटर में लगा हो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर फीड। ओके यस सर, ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर फीड। अब अगर दूसरा फीड का तरीका है कि हम कोएक्सियल लाइन को सेंटर में नहीं लगा है, कोएक्सियल लाइन जो है किसी और जगह पे लगा हुआ है, सपोज करिए कोएक्सियल लाइन किसी और जगह पे लगा हुआ है, कोएक्सियल लाइन किसी और जगह पे लगा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं ऑफ सेंटर, ऑफ सेंटर फीड। तो सेंटर फीड क्या है, ऑफ सेंटर फीड क्या है, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। सुनील क्लियर है सेंटर फीड और ऑफ सेंटर फीड क्या है? सुनील, सुनील कहाँ चले गए? रुचि, रुचि, यस सर, क्लियर है? यस सर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है?
तो हमने आज सबसे पहले पढ़ा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर क्या है, क्लियर है? वेव फ्रंट शेप चेंज। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में वेव फ्रंट का शेप कैसे चेंज होता है संजीत? संजीत यस सर, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में वेव फ्रंट का शेप कैसे चेंज होता है? सर स्फेरिकल, स्फेरिकल से पैरेलल हो जाते। वेरी गुड। रुचि अपर्चर रेशियो क्या होता है? रुचि व्हाट इज अपर्चर रेशियो? रुचि माही व्हाट इज अपर्चर रेशियो? माही यस सर, व्हाट इज अपर्चर रेशियो? एफ बाई टी। इसका रेंज कहां से कहां तक रेंज होना चाहिए? 0.25 से 0.5। वेरी गुड। स्लॉट एंटीना क्या होता है सुनील? स्लॉट एंटीना किसी मेटालिक प्लेट के अंदर सर एक छोटा सा होता है जिसको स्लॉट बोलते हैं। छोटा सा स्लॉट बनाते हैं और उस पे हम लोग इनपुट इनपुट कैसे देते हैं? हाँ सर, लाइन होती है जिसके द्वारा हम इनपुट देते हैं। फीड करने का क्या क्या तरीका है सुनील? सर यही तो सर, नहीं मेरा नेटवर्क ही नहीं काम किया है लास्ट। ठीक है सुनील, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ। सपोज करिए सुनील, ये हमारा स्लॉट है, ठीक है? ये हमारा स्लॉट बना हुआ है, ये है आपका लेंथ लैम्डा बाय टू और ये है एक्स, ठीक है? ये हमारा स्लॉट है। अब देखिए फीड मतलब होता है इनपुट। हम लोग इनपुट कैसे कर सकते हैं? कोएक्सियल लाइन के थ्रू। अगर इसके सेंटर में हम लोग कोएक्सियल लाइन लगा रहे हैं सुनील, इसके सेंटर में, और वहां से इनपुट दे रहे हैं, सेंटर में कोएक्सियल लाइन लगा है स्लॉट के सेंटर में और इनपुट देते हैं, तब हम इसे बोलते हैं सेंटर फीड। क्या बोलते हैं? सेंटर फीड। सेंटर फीड। अगर स्लॉट के सेंटर में कोएक्सियल लाइन लगा है और वहां से इनपुट देते हैं, तब बोलते हैं सेंटर फीड। ओके सुनील? यस सर। अब दूसरा है, जब हम सेंटर में न लगा के किसी और लोकेशन पे लगाते हैं, किसी और लोकेशन पे लगा के हम लोग इनपुट देते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑफ सेंटर फीड। ऑफ सेंटर फीड। अगर सेंटर पे दिए तो हम लोग बोलेंगे सेंटर फीड, सेंटर से अलग हटा के कहीं दिए तो उसे बोलेंगे ऑफ सेंटर फीड। ओके, ये हमारा फीडिंग का मैकेनिज्म है। यस सर। आज का जो सवाल हुआ, आज का जो टॉपिक हुआ है, उससे आपको बेसिकली थ्योरेटिकल सवाल ही आएंगे। स्लॉट एंटीना क्या है, सेंटर फीड क्या है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर वेव फ्रंट कैसे चेंज करता है, अपर्चर रेशियो क्या है, ठीक है? तो ये सब आपको थ्योरेटिकल सवाल पूछे जाएंगे। कुछ डाउट आज के क्लास में किसी को? नो सर। तो आप जहां तक मुझे याद है, अब लग रहा है आप केवल माइक्रोवेव का लास्ट यूनिट बचा है, इम्पीडेंस मेजरमेंट, पावर मेजरमेंट वगैरह, तो वो हम लोग कल नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। आप लोग पिछला रिवाइज भी करते जा रहे हैं ना, या रिवाइज नहीं हो रहा है संजीत? नहीं हो रहा है। रिवाइज भी करते जाइए, मतलब फिर ऐसे सही रहेगा ना, देखते जाइएगा। चलिए तो आज का क्लास कंक्लूड करें। यस। कुछ डाउट आपके क्लास में? नो सर। तो कंक्लूड करते हैं आज का क्लास। ओके थैंक यू सर। थैंक यू।